Today we are going to talk about the nuances of gut. It's a special repertoire that is about mind and the subtleties of the facial expression and minor limbs. आज हम बात करेंगे गत के बारे में. गत जो है वो कोई भी वस्तु को लेकर एक अंदाज को लेकर उसको उभारते हैं एक चाल से. शंभू महाराज जी कहते थे कि पलटा बिजली की तरह लो और तस्वीर की की जैसे आके खड़ी हो जाओ. यू टेक अ सेमी सर्कल एंड कम एंड फ्रीज लाइक अ पोर्ट्रेट एंड देन यू ब्रेक इट. फिर वो जो आप मूर्ति बन जाती है उसको तोड़ते हैं और फिर उसकी तस्वीर निकालते हैं. देन द एसेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स. वी विल शो यू वन और टू ऑफ द गट्स. आज हम उसकी दूसरी गत पर दिखाएंगे रुखसार की. द कर्व ऑफ द चीक रुखसार और उसको एक खास दिस इज ओल्ड वे ऑफ मूविंग एंड सांप की है मगर वो बैठ कर है. और ये मैंने एक मीरासिम थी लगामपुर में उनसे मैंने हासिल करी थी. प्रस्तुत है रुखसार की गत. जस्ट द गत. अब हम गत दिखाएंगे मुकुट की ऑफ द क्राउन ऑफ कृष्ण. इट कुड बी एनीथिंग एल्स बट मुकुट द सटलिटीज. आप मुकुट ले गए विराजमान किया यू सेटल इट फ्रीज एंड देन यू स्टार्ट द सर्क्यूलैरिटी ऑफ द क्राउन थ्रू द गेट. चाल के आधार पर आप किस तरीके से इसको उभारेंगे. मेरे साथ संगत कर रहे हैं नौशाद अहमद खान साहब, जोहेब हसन और सईदपुर रहमान. ना दिन पर आंचल की गत. आंचल इज द एंड ऑफ द साड़ी एंड इट इज रियली क्वाइट अ सेंसुअस नुआंस. आंचल जो हमारे वक्ष को ढांकता है और उसमें नजर और आंचल को का किसी का खींचना और उससे एक तरीके से डोर से बंधना. प्रस्तुत है एक ऐसी शिक्षा विनु महाराज जी मेरे गुरु और श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी के शिक्षा का संगम. दिस इज एन अमेलगमेशन ऑफ टू गुरुज आचर विच इज यू हैव टू वॉच आउट फॉर द सटल मूवमेंट्स ऑफ द हैंड द ब्रेथ एंड द आईज. आचर की गाथा